Hi friends, Amit Ahuja and basically ये एक छोटा सा मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे टेक्निकल फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि अमित भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग वगैरह हम कब आप शुरू करोगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। सो प्लीज़ टेक अ लुक कि जो भी मेरे पास ऑटो इलेक्ट्रिकल्स और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटो इलेक्ट्रिकल, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग चीज़ें हैं, ओके। बट हम कोर्स में ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे। आपके जब तक ऑटो इलेक्ट्रिकल फंडेज बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको मल्टीमीटर वगैरह का पूरा आइडिया नहीं है, आपको रेजिस्टेंस नापने नहीं आती, आपको करंट्स नापने नहीं आते, आपको वोल्टेज नापने नहीं आती, आपने तो जब तक आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वैल्यूज को आप नहीं नाप पाओगे। सो बेसिकली व्हाट हम लोग क्या आपसे व्हाट वी आर गोना स्टार्ट इज, ये आपके ये ट्रेनिंग बोर्ड्स हैं, ये आपके लाइव बोर्ड्स हैं, ये देख लीजिए, ये आपका लाइव बोर्ड है जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट हार्नेस वगैरह जो हार्नेस के लिए हम लोग इस तरीके से इसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसे पावर सप्लाई देंगे। एंड ये आपकी इलेक्ट्रिकल हार्नेस में मैं फॉल्ट्स रोज क्रिएट करूँगा, आप इसको डायग्नोज करेंगे। दूसरा, वी विल कम डाउन टू रिले सर्किट्स, ऐसे मैं रिले सर्किट्स को कनेक्ट करूँगा जो आपके ये सारा ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है, टोटली आप ये मान के चलिएगा टोटली ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस है। ये रिले सर्किट्स में मैं आपके लिए रूल्स फॉल्ट क्रिएट करूंगा और आप इसमें डायग्नोस करोगे। तीसरा जो हम कवर करेंगे, हम करेंगे आपकी डीसी मोटर्स, ओके। जितनी भी हमारी डीसी मोटर्स हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे अगेन पावर सोर्स के साथ, और इसमें हार्नेस में और डीसी मोटर्स में मैं फॉल्ट क्रिएट करूंगा, डायग्नोज आप करोगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं फॉल्ट कहाँ से क्रिएट करूंगा, ये देखिए ये पीछे है, ये मेरी मर्जी है मैं कैसे फॉल्ट क्रिएट करूंगा, डायग्नोज आप करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो कैनवस है, ये देखिए ये कैनवस का बोर्ड है और ये सारा कैन नेटवर्क है, ये आपका कैन नेटवर्क, ये देखिए आपका ये सारे, अगर आप इसको ध्यान से देखिए डीएलसी पोर्ट का दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ट्रेनिंग बोर्ड्स हैं ये यूएस के हैं, इनों से ही मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोट ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें आप लोग सब यहाँ पे सीखोगे। नाउ वंस आप लोग ये सब चीज़ें सीख जाओगे, मल्टीमीटर्स है हो जाएगा, तो अब हम आपको एक छोटा सा हमने आईसी बनाया है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव माय फ्रेंड, अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ट्रेनर्स जो आपको ट्रेन करेंगे, मैं अकेला ही नहीं हूँ। एंड वो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्डकोर बंदे हैं, आपको जहाँ मेरे को मेरी ज़रूरत है मैं होऊंगा, नहीं तो दी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वो अपने आप आपको पूरी तरह से आएंगे। एंड जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे आप यहाँ से छूटोगे नहीं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, आपको ना हम छूटने देंगे, आपका एग्जाम जब तक 80% आप नंबर नहीं लाओगे अपने दुकानें अपनी वर्कशॉप को भूल के आना, ओके। सो बी टेक दैट एज अ चैलेंज। ऑलराइट, अब मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने एक छोटा सा ये ब्रेड बोर्ड पे एक आईसी है जो 555 है, टाइमर सर्किट, और इसका हमने एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाया है। एंड प्लीज सर जरा इसे कनेक्ट कर देना। और बेसिकली इस सर्किट का आइडिया ये है कि हम आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है वो बड़े सिंपल टर्म्स में बता रहे हैं। और हमारे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो हैं ऑटोमोटिव, ये देखिए ये आपका मल्टीमीटर है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, MST 806 या समथिंग मैंने बोला था, बांगूड पे ये मिल जाएगा। ये जो मल्टीमीटर है ये ग्राफिंग मल्टीमीटर है, तो आप ये देख सकते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। हमारी ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस पूरी की पूरी सारी की सारी, चाहे वो ऑटो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो वी आर लुकिंग एट सेंसर्स, हम एक्चुएटर्स को देख रहे हैं, हम मोटर्स को देख रहे हैं, जितने भी आप ये एप्लीकेशंस देख रहे हैं वो सारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे, ये देख लीजिए दिस इज व्हाट वी हैव डन, ओके।
तो बेसिकली अभी ये एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा सर्किट है, इसमें सिर्फ मैंने आपको पल्स रेट मॉड्यूलेशन बताई है। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है जैसे आप देख रहे हो, और इसमें अभी ड्यूटी साइकिल हमने वेरी करने का प्रोविजन नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको एक वेरी स्मॉल थिंग, बड़ा एक छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है, लेकिन आप ये समझिए कि क्या हम आगे आपको सिखाने वाले हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपने इसके अलावा और कुछ भी सीखना है, देयर इज समथिंग, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पुट इट इन, क्योंकि अभी मैंने ये ट्रेनिंग शुरू नहीं की है। अभी ये बड़ा एक यू नो डेवलपिंग फेज में है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यू नो कुछ और चीज़ें मुझे ऐड करनी है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, अभी क्योंकि अभी यू नो अभी हम लैब स्टेज में हैं, हम बहुत चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी अ थम्स अप, नहीं तो नो प्रॉब्लम्स। सो वी यू नो वी मीट अप अगेन, अब वर्कशॉप में मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो। एंड द नेक्स्ट वीडियो जो मैं कवर कर रहा हूँ, इनफ ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आज जो मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ वो